नमस्कार दोस्तों, निकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पढ़िए, यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड है कि ये मिशन जो था वो अराइव्ड हुआ इन मार्च 29, 1946, यहाँ पे दिया गया है। यह मिशन मार्च 1946 को भारत आया, तो एक काम करिए आप, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डेट नहीं दिया गया, इसको आप हटा दीजिए 29, अब दोनों सेम क्वेश्चन हो जाएंगे। यह मिशन मार्च 1946 में भारत में आया, ठीक है, या 5 सदस्यीय मिशन था। यहाँ पर कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, बताइए। चलिए प्रश्न में तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो बताइए ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर यह मिशन मार्च में आया था 1946 में भारत में, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यह 5 सदस्यीय मिशन था, ये आपका गलत है, इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक जो है वो आपका सही है, ठीक है, केवल एक। अच्छा क्लास, यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 फरवरी 1946 ये डेट याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, अगर परीक्षा में पूछे जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पीएम कौन था, तो आप बताएंगे एटली था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना व तत्कालीन ज्वलन समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए एक मिशन भेजा, जिसका की नाम क्या था, जिसका की नाम था कैबिनेट मिशन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप व्याख्या में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जनवरी फरवरी का समय है ये, तो 1946 को ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर वार्ता करने के लिए एक संसदीय दल, जिसको कि हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, को भारत भेजने का निर्णय लिया, ठीक है। और याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन है वो दिल्ली पहुंचा, ठीक है। और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, याद रखिएगा, दूसरे आपके थे एवी एलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे। तो अगर आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं 15 फरवरी 1946 को एटली ने घोषणा की कि हम भारत एक वार्ता करने के लिए, अनौपचारिक स्तर पर वार्ता करने के लिए एक संसदीय दल को भेज रहे हैं, जिसका कि नाम क्या है, कैबिनेट मिशन है, ठीक है। और 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन है वो दिल्ली पहुंच जाती है, और 16 मई 1946 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो यहाँ पर आप इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट डेट आप याद रख सकते हैं, ये 1946 का समय है, फरवरी मार्च में ये पहुंचती है और फिर मई में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अब कैबिनेट मिशन में जो बोला गया था, कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर
जो डिमांड बार बार की जा रही थी पाकिस्तान की, एक अलग देश की बात की जाए, एक सेपरेट कंट्री फॉर्म हो जिसका कि नाम पाकिस्तान रखा जाए। तो आप याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको कई बार बताया है कि ऑगस्ट प्लान दे दे, क्रिप्स मिशन दे दे या फिर कैबिनेट मिशन दे दे, आप याद रखेंगे कि किसी भी मिशन में पाकिस्तान की डिमांड को, मतलब एक सेपरेट कंट्री के डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। परीक्षा में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, पाकिस्तान और पार्टीशन, ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड मतलब पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री और भारत का विभाजन पार्टीशन, ये किस में एक्सेप्ट किया गया था? माउंटबेटन प्लान में। और आपको पता है इसी के बाद माउंटबेटन प्लान आएगा, लेकिन यहां पर पाकिस्तान की डिमांड जो बार बार मुस्लिम लीग कर रही थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने कहा था जो प्रोविंशियल असेंबलीज है उनकी हम ग्रुपिंग करेंगे, मेनली हम तीन ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ए बी सी आपके तीन वर्ग होंगे, तीन ग्रुप्स होंगे, ए बी सी याद रखिएगा, ए बी सी आपके तीन ग्रुप होंगे। ए में आपके हिंदू मेजोरिटी होगी, ठीक है, और जो हिंदू मेजोरिटी वाले प्रोविंस हैं वो होंगे। बी में अगर हम देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी वाले, और सी की हम बात करेंगे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो भारतीय प्रांतों को ए बी सी तीन वर्गों में विभाजित किया जाएगा, ये प्रपोजल में बोला गया था, और तीनों वर्गों के प्रांतों का अपने अपने प्रतिनिधि चुनने एवं प्रांतों के लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरे भारत को तीन वर्गों में विभाजित करने की बात चल रही थी इसमें। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको संगठन दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बोल्सेविक लेनिनिस्ट पार्टी अजीत रॉय, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, इंडियन बोल्सेविक पार्टी एमएन रॉय और रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी सोमेंद्र नाथ टैगोर। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर जब हम बात करते हैं भारतीय बोल्सेविक दल की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1939 में हुई है, याद रखिएगा, और एन दत्त मजुमदार द्वारा, ये भी याद रखिएगा, ना कि एम एन रॉय द्वारा। यहाँ पे मजुमदार जी का नाम होना चाहिए, ना कि एम एन रॉय का। और सब जो आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। एक बार हम व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए 1939 के समय की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से मतभेद होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये चीज क्लियर है, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। 1940 की बात करेंगे, 1940 की, तो 1940 में क्रांतिकारी समाजवादी दल का गठन किया गया। यह दल अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से निकालना चाहता था, और भारतीय बोल्सेविक दल की स्थापना जो है वो 1939 में एन दत्त मजुमदार ने की थी। 1942 की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें क्रांतिकारी समाजवादी दल का गठन किया गया था, और किसने किया था? सोमेन नाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। अब बोल्सेविक लेनिनिस्ट दल की बात अगर हम करेंगे, तो 1941 में अजीत रॉय और एवं इंद्र सेन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर चीजें क्लियर हुई ना क्लास? किसी भी चीज में कंफ्यूजन तो नहीं? तो याद रखिएगा, हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में आराम से पढ़ भी सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर ये आपका रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दो सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। दूसरा है आपको, यह संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रियासतों पर आधारित था। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है, तो बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात किस एक्ट में की गई थी? बताइए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात
किस एक्ट में की गई थी? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ऑल इंडियन फेडरेशन की बात मैं कर रही हूँ, इंग्लिश में भी आपको समझ में आना चाहिए। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडियन फेडरेशन की बात मैं कर रही हूँ। तो इसका प्रपोजल 1935 के एक्ट में दिया गया था। यहाँ पर बोला गया, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दो सदनों वाली एवं संघीय विधायिका की व्यवस्था की गई। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। एकदम सही है। दूसरा आपको दिया गया, यह संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रियासतों पर आधारित था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए क्लास, दो एक्ट हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, 1919 एक्ट, ठीक है, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, और दूसरा आपका क्या है, 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935। यहाँ पर जो आपका द्वीप शासन था उसको प्रोविंस में लगाया गया था, याद रखिएगा, और सेंटर पर नहीं लगाया गया था द्वीप शासन। यही द्वीप शासन 1935 में प्रोविंस से हटा दिया गया, ठीक है, और उसे सेंटर पे लगाने की बात कही गई। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सही हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर देख लेते हैं, 1935 के भारत सरकार कानून में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, जो कि मैंने आपको बताया, तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। यह संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रियासतों पर आधारित था, जो कि आपको प्रश्न में दिया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दो सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था की गई, जिसमें रियासतों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया। रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के शासन मनोनीत करते थे। यहाँ पे मनोनीत मतलब नॉमिनेट करते थे। तो यहाँ पर इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। चलिए चौथे प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 1919 वाला और 1935 में ये चीज आपको याद रखना है कि द्वैत शासन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो द्वैत शासन प्रणाली क्या 1919 एक्ट में कहाँ पर लगाई गई थी, प्रोविंस में लगाई गई थी, ठीक है, और 1935 में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था लाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रांतीय द्वैत शासन जो था, प्रांतों में जो द्वैत शासन प्रणाली लगाई गई थी प्रोविंस में, उसको खत्म कर दिया गया था 1935 के एक्ट के थ्रू। ये परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देता है। इंटरचेंज कर देता है मतलब क्या करेगा, बोल देगा 1919 के एक्ट के थ्रू जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको प्रांतों में लाया गया, तो आप बताएंगे बिल्कुल सही है 1919, ठीक है, 1919 के थ्रू। अगर आपको कंफ्यूज करेगा, दे देगा 1919 एक्ट के थ्रू द्वैत शासन प्रणाली जो थी वो केंद्र में लगाई गई, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए नहीं, उसको प्रांतों में लगाया गया था, और प्रांतों से 1935 एक्ट के थ्रू द्वैत शासन प्रणाली हटाई गई और उसको सेंटर पर केंद्र में लगा दिया गया। ये चीज क्लियर हो गई है कि चलिए अब ज्यादा बोलूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा पता नहीं आप लोग कंफ्यूज हुए भी कि नहीं हुए, अगर लाइव क्लास होती तो कमेंट देख के मैं आप लोगों का पढ़ लेती कि समझ में आया कि ऐसे ही रिपीट किया मैम ने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। वैसे नहीं कंफ्यूज किए होंगे आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर एग्जाम में चेंज थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है आप लोगों को गलत करवाने के लिए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा करिए। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1935 में की गई थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए, बताइए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1934 में की गई थी कि नहीं, बता दीजिए जल्दी से, की गई थी। वेरी गुड, एकदम सही है। अच्छा यहाँ पर इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आचार्य नरेंद्र देव का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। और किसका नाम याद रखेंगे आप, जयप्रकाश नारायण का भी, तो याद रखिएगा 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। दूसरा आपको दिया गया, अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1935 में की गई, तो बताइए सही है कि गलत, नहीं यहाँ पर ये गलत है, 1935 में नहीं ऑल इंडियन किसान सभा की
स्थापना हुई 1936 में हुई, 1936 में, और किसके द्वारा हुई? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए विचार करिए, मत्स्य संपदा योजना तो ये किससे रिलेटेड है? मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है, ठीक है, फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, मछली के पालन से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि लाना है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि लाना है, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उत्तर आपका सी हो जाए, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न देखिए, पैराथायरॉइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम की अधिकता के कारण प्रभावित होता है या हड्डियों की अनावश्यक वृद्धि को रोकता है, तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो बताइए, पैराथायरॉइड हार्मोन इज सेक्रेटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, इट प्रिवेंट अननेसेसरी बोन ग्रोथ। यहां पर आपका सही क्या होगा? अच्छा, यहां पर बोला गया कौन सा सही नहीं होगा, देखिएगा क्लास, बोला गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर देखिए, पैराथायरॉइड रक्त में कैल्शियम की अधिकता के कारण प्रभावित नहीं होता है, कैल्शियम की कमी के कारण प्रभावित होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है, या हड्डियों की अनावश्यक वृद्धि को रोकता है, या बिल्कुल सही है, ठीक है, या अनावश्यक वृद्धि को रोकता है या कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है तथा हड्डियों के अनावश्यक भाग को गलाकर रक्त में फॉस्फोरस तथा कैल्शियम को मुक्त करता है, तो यहां पर आपका दूसरा बिल्कुल सही है, पहला गलत है, क्योंकि अधिकता नहीं, यहां पर कमी के कारण। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सातवां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करिए, कार्बोहाइड्रेट आरएनए तथा डीएनए का घटक है, यह प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए संरक्षित रखता है, तो बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो चलिए बताइए जल्दी से, कार्बोहाइड्रेट आरएनए तथा डीएनए का घटक है, ये सही है कि गलत? ये बिल्कुल सही है। यह प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए संरक्षित रखता है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्लास। अगला देखते हैं, आठवां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, पृथ्वी पर लगभग 2/3 जातियां ऑर्थोपोडा है, तो बताइए, समय ले लीजिए, ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा? एक बार चेक कर लेते, करेक्ट ही पूछा है ना? हाँ, करेक्ट ही पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो ये जरूर देख लिया करिए। तो यहां पर ऑर्थोपोडा जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये एकदम सही है, पृथ्वी पर लगभग 2/3 जातियां ऑर्थोपोडा ही है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहां पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, नौवां प्रश्न। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, एबीज और पीसिया की लकड़ी का प्रयोग माचिस की डिब्बी बनाने में किया जाता है, चीड़ के पेड़ से रेजिन का उत्पादन होता है, तो बताइए, एबीज और पीसिया की लकड़ी का प्रयोग माचिस की डिब्बी बनाने में किया जाता है, सही है कि गलत है? राइट है कि रॉन्ग है बताइए? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, चीड़ के पेड़ से रेजिन का भी उत्पादन होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर क्लास आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, लगातार जो
आंसर है वो आपका सी ही आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हम, 10वां प्रश्न। चलिए, ये शेड्यूल से रिलेटेड है, अनुसूची से रिलेटेड है। अनुसूची से तो हम लोग ने रिलेटेड कई प्रश्नों को टेस्ट में किया है, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा एकदम से, मुझे लगता है। अगर अभी भी नहीं याद हुआ है तो याद कर लो, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पे द्वितीय अनुसूची दी है, तृतीय दी है और चौथी दी है, तो पढ़ लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके, अब मुझे बताइए सही क्या है। द्वितीय अनुसूची में भारत की राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है, तो बताइए सैलरीज, अलाउवेंसेस और पेंशन की बात की गई है, सही है कि गलत है? सही है ना। किसकी किसकी? राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, लोकसभा के अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, लोकसभा की। जब लोकसभा आ गया तो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के। अब जब लोकसभा और राज्यसभा आ गया, देखो ऐसे कितना आसान है, सबसे पहले प्रेसिडेंट की, ठीक है, फिर उसके बाद आप जब प्रेसिडेंट आ गए, हम सेंटर की बात कर रहे हैं, संघ में आपके प्रेसिडेंट आ गए, तो अब स्टेट पे आ जाओ। स्टेट में कौन रहता है? गवर्नर आता है, ठीक है, याद रहेगा। हम लोग सेकेंड शेड्यूल की बात कर रहे हैं, सेकेंड शेड्यूल में किसके किसके अलाउवेंसेज और पेंशन और सैलरीज की बात की गई है, तो प्रेसिडेंट की गई है, स्टेट में गवर्नर की गई है। फिर लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष है आपके, स्पीकर है, और आपके उपाध्यक्ष की बात यहाँ की गई है। साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात की गई है। अब जब लोकसभा राज्यसभा आ गया तो मुझे बताओ स्टेट में आपका क्या है? स्टेट में विधानसभा है और विधान परिषद है, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, ठीक है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर सेंटर पे है तो यहाँ पर हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, और प्लस एक लोग बचे हुए हैं, वो कौन है? वो आपके कैग है, ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इन सब के सैलरी, अलाउवेंसेस और पेंशन की बात की गई है अनुसूची सेकंड में। अब नहीं कंफ्यूज होगा ना, अब परीक्षा में आपको दे देगा कि सेकंड शेड्यूल में हमने मंत्रियों की बात की है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की है, हमने सीजीआर, हमने डैश डैश की बात की है, किसी को मतलब जैसे आपको दे दिया, ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस इन्हीं लोगों की बात की गई है, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, लोकसभा, राज्यसभा के जो आपके चेयरमैन है, ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन है, इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, और लास्ट में कैट, बस। अच्छा, अब आगे देखते हैं, तृतीय की बात करेंगे हम, थर्ड शेड्यूल की। तो थर्ड शेड्यूल में क्या बोला गया? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने करते समय ली जाने वाली शपथ, तो बताइए यहाँ पर शपथ की बात की गई है, हाँ शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की बात, तो बताइए यहाँ पर क्या बात की गई है? फोर्थ गलत है आपका, क्यों गलत है? क्योंकि हम विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण की बात हम शेड्यूल फाइव में करते हैं, ना कि फोर में करते हैं। फोर में हम क्या बात करते हैं? चौथी अनुसूची में हम राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण करते हैं, ये चीज विवरण करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन है हम उसको फोर्थ शेड्यूल में देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड है वो गलत हो गया, सही उत्तर क्या हो गया? एक और दो, ठीक है, ठीक है क्लास, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कीजिए, जैव विविधता, अभिसमय वर्ष, ठीक है, यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, जैव विविधता अभिसमय, द कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, याद रखिएगा। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत किया गया था। दूसरा है, भारत सीबीडी का पक्षकार है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जिसको कि हम अर्थ समिट भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, रियो समिट भी कहते हैं, में अंगीकृत किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ये चीज याद रखिएगा। और भारत, बताइए, भारत जो है वो इसका पार्ट है,
भारत इज अ पार्टी टू सीबीडी, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 12th प्रश्न। देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, वॉज फर्स्ट मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बताइए सही है कि नहीं। एंड UNFCCC हैज बीन ऑपरेशनल सिंस 21st मार्च 1997। तो यहां पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो UNFCCC की जब हम बात करेंगे, यूएन का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा 1992 के पृथ्वी सम्मेलन, जिसको कि हम रियो समिट भी कहते हैं, से संबंधित देश UNFCCC में शामिल हुए ताकि साथ मिलकर औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोका जा सके। ये चीज याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके और वैश्विक तापमान में जो बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है उसको रोका जा सके, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे UNFCCC 21 मार्च 1997 से कार्य कर रही है, ये गलत है, ये 1994 से कार्य कर रही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, क्लास अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम उत्तर जल्दी दे रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। 13th प्रश्न को हम देखते हैं, लोकगीत कजरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करिए। या बिरहा का लोकगीत है, इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है, तो बताइए सही उत्तर क्या है। यहाँ पर बिरहा में ये गीत गाया जाता है जब कोई सपरेट होता है, किसी की याद में ये गीत गाया जाता है, कजरी, बताइए। नहीं, ये गलत है। क्यों? या जो है या वर्षा ऋतु का लोकगीत, जब वर्षा ऋतु रेनी सीजन है ना, इस समय कजरी गीत गाया जाता है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है, ये आपका सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल दो, पहला आपका जो था वो गलत था। दूसरा हम देखते हैं, अगला प्रश्न मतलब 14th प्रश्न, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड है, रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लास वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप आराम से उत्तर दीजिए, ठीक है। थोड़ा समय मैं भी आप लोगों को दूंगी, आप लोग प्रश्न बड़ा है तो थोड़ा समय लीजिए और पढ़िए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला क्या दिया गया, सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सोडियम इज यूज टू डिटेक्ट एनी डिसऑर्डर इन द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये सही है कि गलत है, बताइए। आयोडीन का उपयोग थायराइड की ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में किया जाता है, और फॉस्फोरस का उपयोग पृथ्वी की आयु निर्धारण में किया जाता है, इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है? इनकरेक्ट पूछा है तो ध्यान दीजिएगा जो करेक्ट नहीं है। तो सोडियम जो है वो यूज किया जाता है किसी भी तरीके का जो डिसऑर्डर है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, इसको डिटेक्ट करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। आयोडीन का यूज किया जाता है डिसऑर्डर जो थायराइड ग्लैंड में होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ये भी सही है। लेकिन फॉस्फोरस का यूज अर्थ की एज को डिटरमाइन करने के लिए नहीं किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर यूरेनियम का उपयोग पृथ्वी की आयु निर्धारण में किया जाता है, ना कि फॉस्फोरस का। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया, यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट आपका खाली 3 है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं, यहां पर देख लीजिए, रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय आयोडीन की बात करेंगे, का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रेडियो सक्रिय फॉस्फोरस की अगर हम बात करेंगे तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अस्थि रोगों के इलाज के लिए, बोन से रिलेटेड रोगों के इलाज के लिए। रेडियो सक्रिय सोडियम के द्वारा शरीर में रक्त प्रवाह का वेग नापा जाता है। रेडियो सक्रिय लोहा का उपयोग एनीमिया एनीमिया रोग में किया जाता है, लोहा आपको पता है एनीमिया में इसका उपयोग किया जाता है ब्लड से रिलेटेड। रेडियो सक्रिय यूरेनियम की बात करेंगे, का उपयोग पृथ्वी की आयु निर्धारण में किया जाता है,
और कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का उपयोग अनाज फल सब्जियां आदि रोगाणु नाशन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्लास परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। अगला हम देखेंगे 15 प्रश्न को देखिए, एजोटोबैक्टर से रिलेटेड है, एजोटोबैक्टर से रिलेटेड है। तो देखिए यहां पर अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बोला गया है कौन से कथन आपकी सही है, करेक्ट बताना है। या वायवी स्वतंत्र जीवी मृदा में वास करने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक जीवाणु है, ये एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में रहते हैं, ये जीवाणु वृद्धि करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करते हैं। बताइए क्या सही है, पहला सही है, दूसरा सही है कि दोनों सही है? यहां पर दोनों सही है, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, जब हम एजोटोबैक्टर की बात करेंगे तो यह एक स्वतंत्र जीवी मृदा में वास करने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होते हैं। ठीक है, और ये जीवाणु वृद्धि करने वाले हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो पौधे की वृद्धि एवं उनकी उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही था। अगला देखते हैं 16। देखिए अर्थ समिट से रिलेटेड ये भी प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन से अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से आप लोग इसको क्या बोला गया है, कौन सा आपका सही है बोला गया है। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1997 में किया गया था, बताइए अभी हमने डिस्कस किया है। दूसरा है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन यूनेप द्वारा किया गया था। तीसरा है इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यूएनसीईडी है। तो फर्स्ट जो अर्थ समिट था वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 1997 में नहीं, 1992 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन आपको पता है कब हुआ था, 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल बाद 1992 में, ये याद रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ एनिवर्सरी मनाने के लिए 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो ये पहला आपका गलत हो गया। द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज बाई यूनेप, यूनाइटेड नेशन, बताइए एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा ही इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था और इट्स ऑफिशियल नेम वॉज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास, 1972 में यूनाइटेड नेशन द्वारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील में अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया जो कि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसी वजह से हम इसको रियो समिट भी कहते हैं। और इसका आधिकारिक नाम क्या है, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 प्रश्न को देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में आपको बताना है। ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, इसे 1997 में अपनाया गया, इसके द्वारा साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियां सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो बताइए यहाँ पर आपका सही क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब अपनाया गया है, 1997 में अपनाया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एडॉप्ट ये 1997 में किया गया है और 2005 से ये क्रियाशील है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसके द्वारा साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियां सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है देश की अगर हम बात करें कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो आपकी विकसित देश हैं, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया, ठीक है, औद्योगिकरण पहले आया ना, तो औद्योगिकरण एक बहुत बड़ा सोर्स था ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस हैं आपकी,
जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके एमिशन के लिए, ठीक है, और जो अभी डेवलपिंग फेज में कंट्री है अभी वो उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए. तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है डेवलपिंग कंट्रीज के कंपेरिजन में, ठीक है, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के कंपेरिजन में. तो इसीलिए बोला गया द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया. प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डेवलप्ड कंट्रीज है उन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगला देखते हैं हम लोग 18, ठीक है, 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. नर्मदा नदी के उत्तर में विंध पर्वत श्रेणी है, अजंता एवं सतमाला दोनों पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अस्थित है. तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है. तो बताइए नर्मदा नदी की हम जब बात करते हैं तो नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी श्रेणी है, विंध श्रेणी है, नॉर्थ में है विंध्यन रेंज है उधर, ठीक है, और दक्षिण में देखिए अगर ये नर्मदा है, नर्मदा नदी फ्लो कर रही है रिवर, तो अगर आप यहाँ नॉर्थ में, ये नॉर्थ हो गया ना, नॉर्थ में आप देखेंगे तो इधर विंध्य रेंज है, ठीक है, और इधर आप जाएंगे इधर साउथ में नर्मदा नदी की तो आपको सतपुरा रेंज मिलेगी. आपको पता है नर्मदा नदी विंध और सतपुरा पर्वत की श्रेणी के बीच में बहती है, बिल्कुल सही है. अजंता एवं सतमाला दोनों पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है, तो तापी नदी और नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हुई. आपको पता है यहाँ पर ये जो लाइन है तापी, अजंता एवं सतमाला दोनों पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है. तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर है. देखिए क्लास, तापी नदी और नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई आपको पता है कि खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है, तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अस्थित है, ये भी सही है. तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डी होगा, क्योंकि पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो दोनों ही बिल्कुल सही है. आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 19 प्रश्न को देखते हैं. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये प्रवाल द्वीप है, तो बताइए क्या सही है आपका, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ये एक प्रवाल द्वीप है, ये भी सही है. तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा. अगला देखते हैं 20वां प्रश्न. उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात की गई है यहाँ पर, तो बताइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न है. अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है. भारत में केवल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं. तो आपको बताना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अ एरिया वेयर देयर इज अ वेरी हाई रेनफॉल, ये एकदम सही है, ठीक है, जहां पर बहुत तेज वर्षा होती है वहां पे उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. भारत में ये केवल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ये आपका गलत, भारत में ये आपके अंडमान निकोबार में, ठीक है, और पश्चिमी घाट में और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग में भी पाए जाते हैं, ये गलत है आपका. तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, केवल ए, ए आपका सही उत्तर है. अगला हम देखते हैं 21वां प्रश्न. रिफाइनरी दी गई है, स्टेट दिया गया है, तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और बताइए इनमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच, सही सुमेलित नहीं है. डिगबोई ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, असम में है कि नहीं है, एकदम सही है. टाटी पार्क असम में नहीं, आंध्र प्रदेश में है, सही है, दिया है आंध्र प्रदेश ही दिया है, ठीक है. नागपट्टनम तेल शोध नगर तमिलनाडु में. नुमालीगढ़ जो है ये कहां पर है, नागालैंड में है, नहीं ये असम में है. तो यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं था, डी आपका सही सुमेलित नहीं था. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 22वां प्रश्न.
निम्नलिखित में से कौन से यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की बताइए, ये तो आपको पता होगा, सी एस बी के, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो यहां पर आपकी तीनों है, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सीएसबीके। सीएसके याद किए हो ना, सीएसके टीम तो चेन्नई सुपर किंग्स, बीच में बी ले आओ, बीच में सीएसबीके। यहां पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यमुना गंगा के पश्चिमी भाग और सबसे लंबे समय तक सहायक नदी के रूप में यमुना नदी का स्रोत जो है वो कहां पर है? बंदरपूंछ रेंज के पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, या प्रयागराज में गंगा से मिलती है, आप सभी को पता है प्रयागराज में जहां पे संगम की हम बात करते हैं, इसके दाहिने किनारे पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन और बाएं किनारे पर हिंडन, ठीक है, रिंड, सेंगर, वरुणा आदि नदियां मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न को। यहाँ पर आपको परियोजना दी गई है और नदियां दी गई हैं। चलिए बताइए कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। पंचेर बांध की बात करेंगे तो वो दामोदर नदी पर है, हाँ है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर होगी ही, ठीक है। बाण सागर परियोजना की बात करेंगे तो यहाँ पे पूर्णा नदी दी गई है, ये पूर्णा नदी पर नहीं है, ये किस पर है? ये सोन रिवर पर। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न, अटलांटिक ओशियंस के रिगार्डिंग में है। तो चलिए बताइए, यहाँ महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये तो बचपन से आपको बताया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर नहीं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो पहला तो आपका गलत हो गया। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है ये, ये कहा जा सकता है, ठीक है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, सेकेंड नंबर पे है। और अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो बहुत अधिक कटी फटी है, ये चीज याद रखिएगा। और व्यापार की दृष्टि से ये जो है ये सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है? हम लोगों ने जलधारा से रिलेटेड प्रश्न देखा है, ओशियन करंट से रिलेटेड प्रश्न हर साल तो नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता भी है। ओशियन करंट से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा। मैं तो एडवाइस करूंगी ओशियन करंट वाला जो आपके एथलेस आप लोग पढ़ते होंगे ना, वहां पर पीछे दिया गया है, उसको अगर आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब तो आप लोग ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं और जहां भी पढ़ते हैं ओशियन करंट वाला लगा चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप उस फिगर को दो तीन बार देखेंगे ना पूरा मैप को ओशियन करंट वाले, तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में याद आ जाता है, ये एरो तो ऊपर से नीचे गया था, लैब्राडोर तो इधर था, हम्बोल्ट तो इधर था, गल्फ स्ट्रीम तो इधर था। और जब आप मेंस में आंसर लिखोगे ना, मेंस में तो ओशियन करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछता है डिस्क्रिप्टिव में भी, तो आप आराम से उस पूरे फिगर को ड्रॉ भी कर सकते। तो इसलिए आप अगर चाहो तो इसको चिपका सकते हो। यहां पर हम लोग देखते हैं 25वें का आपका बोला गया है कौन सा कोल्ड करंट नहीं है। तो यहां पर कौन सा कोल्ड करंट नहीं है, क्लास जो गल्फ स्ट्रीम है वो कोल्ड करंट नहीं है, ठीक है। हम बोल्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन में है ना, ठीक है, याद रखिएगा। बेंगुला की बात करेंगे तो ये अटलांटिक में, लैब्राडोर की बात करेंगे तो बताइए ये अटलांटिक में, याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है। चलिए गल्फ स्ट्रीम आपकी एक गर्म जलधारा है। अगला देखते हैं 26वां प्रश्न, बड़ा है तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकती हैं। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। कितना आसान सा सरल सा लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस भोजन को जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अब बताइए सही क्या होगा, आसान प्रश्न है। जो पौधे हैं वो जड़ों द्वारा भूमि से जल लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, वायु से जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं हमारे वातावरण में, ऑक्सीजन, ठीक है, हमें ऑक्सीजन देते हैं।
ये बिल्कुल सही है। इस भोजन को जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जाइलम के द्वारा नहीं, फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा तो वाटर आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये चीज क्लियर है ना क्लास? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल ए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, 27वां प्रश्न। एजर्शन रीजन पे बेस्ड प्रश्न है, कथन कारण। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं। दूसरा है, ये प्रदूषित स्थानों पर नहीं उगते हैं। तो लाइकेन की बात की गई है, बताइए यहां पे सही उत्तर क्या होगा आपका? ए बी सी डी। लाइकेन्स की अगर बात करें क्लास, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, लाइकेन्स जो है ना वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया है, ए स्पीशीज और बी स्पीशीज दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तो दोनों प्लस प्लस। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। और किन के बीच में यह सहजीवी है? संयुक्त एवं सहजीवी किन के बीच में है? कवक और शैवाल के साथ। ठीक है, जिनमें कवक तथा शैवाल साथ साथ संयुक्त रूप में होते हैं, लिकेन्स में। ठीक है, या लाइकेन्स में। तो यहां पर ये याद रखिएगा, कवक और शैवाल, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आपको पता है कि पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं ये, जहां पर ये नहीं ग्रो करते हैं, दे डू नॉट ग्रो इन अ पॉल्यूटेड प्लेस। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं, क्योंकि ये प्रदूषित स्थान पर नहीं उगते हैं। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। 28वें प्रश्न को देखते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो देखिए, जलीय पारितंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप समय ले लीजिए, एक दो को पढ़िए और बताइए उत्तर क्या होगा। यहाँ पर बोला गया है कौन सा आपका सही है। ठीक है, सही बोला गया है, तो ध्यान दीजिएगा। या आर्द्र भूमि और झीलों दोनों के लिए एकल संरक्षण कार्यक्रम है, क्या योजना केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो बताइए, एनपीसीए आर्द्र भूमि और झीलों दोनों के लिए एक एकल संरक्षण कार्यक्रम है, ये सही है, बिल्कुल सही है ये। अगर हम देखेंगे 2015 का समय, अगर हम देखेंगे तो 2015 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम दोनों का विलय कर दिया गया था, और विलय करके इसको एनपीसीए में लाया गया था। ठीक है, ताकि बेहतर तालमेल बैठाया जा सके। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 29। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोलिथिक एज की बात की गई है, तो बताइए यहाँ पर आपका कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट बोला गया है, इस पे जरूर ध्यान दिया करिए क्लास। तो महदहा एवं सराय नाहर राय में मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम स्थल हैं ये। दूसरा आपको दिया गया है, सबसे पहला मानव अस्थि पंजर इसी काल से मिलता है। बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा? तो बता, महदहा की अगर हम बात करेंगे तो महदहा कहां पर है? ये आपका यूपी में है। सराय नहर राय भारत में मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम स्थल है, ये बताइए सही है? हाँ सही है। ठीक है, सबसे पहला मानव अस्थि पंजर इसी काल में मिलता है। सबसे पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में मिलता है, सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा उत्तर? यहां पर दोनों ही बिल्कुल सही है। इसमें बोला गया है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, तो ना तो नहीं है बोला गया, ना तो एक ना तो दो, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है और दोनों आपके सही है, तो डी आपका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर सी दिया गया है, इसको डी कर लीजिए। हम लोग एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, लगभग 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य
काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे होते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक, यहाँ पर माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, लिथिक मतलब स्टोन। तो यहाँ पर जो स्टोन्स की साइज थी वो बहुत छोटे हो गए थे, वो बहुत शार्प हो गए थे, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर इस काल में पशुपालन के प्रमाण हमें आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। परीक्षा में पूछता है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ से। महदहा उत्तर प्रदेश और सराय नाहर राय भारत में मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम स्थल है, ये देखिए सही है, ठीक है। सबसे पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में मिला था, ये भी आपका सही है। सराय नाहर राय से अर्ध जली हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बुर्ज होम परीक्षा में पूछता है कि गर्द आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो बुर्ज होम से, ठीक है। और टेकल कोटसे से सोने की बाली प्राप्त हुई थी और उत्तर नूरू से कपड़ों का साक्ष्य मिला था। तो यहां पर आपका डी सही होगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है बोला गया ना, दोनों सही थे, तो डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, मतलब विचार नहीं कीजिए कि कथन कौन सा कथन सही नहीं है ये बोला गया है जैन धर्म से रिलेटेड। तो बताइए क्लास, दक्षिण भारत के किसी भी राज्य ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था। दूसरा है, चंपा के शासक दही वाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। तीसरा है, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। और आखिरी है, राजकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था। यहाँ पर उत्तर सही क्या होगा आपका, बताइए। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, ये सही है कि गलत? ये बिल्कुल सही है। चंपा के शासक ददी वाहन की पुत्री, ददी वाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी, ये बताइए सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसका राजपूत नरेश अमोक वर्ष जैन सन्यासी बन गया था, ये भी सही है। दक्षिण भारत के किसी भी राज्य ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था, ये गलत, ठीक है। अगर हम देखें दक्षिण भारत के गंग कदंब चालुक राष्ट्रकूट, इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, राष्ट्रकूट ने दिया था, चालुक्य ने दिया था, तो ये तो आपका गलत होगा। तो ए आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। अगला देखते हैं, 31st। मौर्य काल में राजस्व के प्रमुख स्रोत के संदर्भ में सीता क्या है, बताइए सीता क्या है, मौर्य काल से रिलेटेड पूछा गया है। जनपदों ग्रामों से प्राप्त आय, दूसरा है स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों की आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या पशुओं से प्राप्त आय। तो सीता का क्या अर्थ था, तो यहां पर आपका ए बी सी डी में से सही उत्तर है सी, इनकम फ्रॉम द रॉयल लैंड, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। यहाँ पर हम और देख लेते हैं, दुर्ग की अगर हम बात करेंगे तो नगरों से प्राप्त आय को दुर्ग कहा जाता था। मौर्य राजस्व के प्रमुख स्रोत की बात करें, राष्ट्र जनपद ग्रामों से प्राप्त आय, खनी खानों से प्राप्त आय, सेतु फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय, वन जंगलों से प्राप्त आय, ब्रज पशुओं से प्राप्त आय, बणिक पथ स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से प्राप्त आय, सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय, भाग स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से जो आय प्राप्त होती है। अगला देखते हैं, 32nd। गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा क्लास, जो लास्ट टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, तो उस क्लास को जरूर एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अभी 32nd प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपको गुप्तकालीन सामाजिक जीवन की बात की गई है। गुप्तकालीन समाज परंपरागत चार वर्णों में विभक्त था, डिवाइडेड था। समाज में अस्पृश्यता प्रचलित थी, अनटचेबिलिटी, दास प्रथा के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आपका सही है, तो यहाँ पर आपका तीनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर हम गुप्तकालीन समाज की बात करें तो चार वर्णों में विभक्त था ये, ठीक है। और आपको पता है समाज में सबसे ऊपर स्तर किसका था, ब्राह्मण का। फिर यहां पर देखें अगर हम
ब्राह्मण के बाद आपको पता है क्षत्रिय है, वैश्य है, ठीक है। दूसरा है समाज में अनटचेबिलिटी थी, ठीक है। और दास प्रथा का अगर हम देखेंगे एविडेंस मिलता है तो मिलता है, तो यहां पर आपका सब सही है, तो उत्तर डी हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं हम लोग, 33rd, 33वें प्रश्न को। हुमायूं का मकबरा बताइए, यह चारबाग पद्धति में बना प्रथम स्थापत्य स्मारक है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने कराया था, यहां पर उत्तर क्या होगा? बोला गया है कौन सा आपका करेक्ट है। बताइए, चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे से हुआ था, ये आपका सही है, ठीक है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने कराया था, ये आपका गलत है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की बेगम या हुमायूं की विधवा बेगा बेगम, जिनको कि हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कराया। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन प्रश्न डिस्कस किया था हुमायूं के मकबरे से रिलेटेड, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हुमायूं के मकबरे में दोहरी गुंबद वाला, ये भारत का पहला मकबरा था भारत में, ठीक है। दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा किसका था? हुमायूं का मकबरा था, ये भी याद रखिएगा, डबल डोम। अगला देखते हैं 34th प्रश्न, उत्तर प्रदेश के स्लम जनगणना के संबंध में बताइए। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया है ये प्रश्न, तो बताइए, ये तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में कुल स्लम आबादी 10% से अधिक। दूसरा है, राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला आगरा है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, बोला गया है, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या बोला गया है, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो बताइए। केवल एक, दो, एक और दो, ना एक ना दो, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जब हम स्लम की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की स्लम आबादी जो है वो 9.5% है, ना कि 10% से अधिक है, तो कम है ना, 10% से कम है। और सर्वाधिक जो स्लम आबादी है वो आगरा में नहीं है, वो मेरठ में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका दोनों में से कोई सही नहीं है, तो ना तो एक ना तो दो, तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 35th, ध्वनि के तारत्व की बात की गई है, तारत्व की बात की गई है, पिच की बात की गई है, तो बताइए। तो पिच आपका जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, पहला बोला गया है। दूसरा आपको बोला गया है, शेर की दहाड़ और मच्छरों की भिनभिनाहट में अगर हम देखेंगे तो मच्छरों की जो भिनभिनाहट है उसका पिच ज्यादा होता है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? लोग कहते हैं कि औरतों की जो वॉइस होती है, जो लड़कियां मतलब जो औरत होती है उनकी पिच जो होती है वो ज्यादा होती है आदमियों की पिच से। क्या कहना चाहते हैं हम? पिच एक ऐसा लक्षण होता है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है, ठीक है। जैसे पिच बहुत पतली, बहुत तेज पिच है तुम्हारी, बहुत चुभ रही है, बहुत पतली वो है, तो कानों को चुभ रही है, ठीक है। तो पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है ना, आदमियों की पिच कम होती है, औरतों की पिच बहुत तेज होती है, इसलिए लोग कहते हैं धीमे बोलो, बहुत तेज कानों में चुभ रही है। शेर की दहाड़ और मच्छरों की भिनभिनाहट में अगर हम देखेंगे तो मच्छरों की भिनभिनाहट की जो पिच है वो ज्यादा है शेर की दहाड़ से, ठीक है। तो यहां पर बताइए क्लास, सही उत्तर क्या होगा? दोनों ही बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। तो आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने देखा, आप में से कई स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के टेस्ट को यहीं पे एंड करते हैं। देखिए पूरे दिन आपको करना क्या रहता है, 35 प्रश्नों को देखना रहता है, एक बार आप चाहे तो स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं। आपको पता चलता है कि आपका किस सब्जेक्ट में तैयारी अभी कम है, किस सब्जेक्ट की तैयारी ज्यादा अच्छी है। आप चाहे तो डेली एनालिसिस अपनी बना सकते हैं कि आज मॉक टेस्ट मैंने दिया तो मेरे मॉक टेस्ट में हिस्ट्री में इतने क्वेश्चन सही हुए, मेरे
पॉलिटी के इतने क्वेश्चन सही हुए या एनवायरनमेंट के इतने क्वेश्चन सही हुए, तो आप देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपसे गलती ज्यादा हो रही है। अभी जिस सब्जेक्ट में गलती ज्यादा हो रही है, जिन प्रश्नों में गलती ज्यादा हो रही है, उसको बार बार रिवाइज करिए। टाइम है सफिशियंट आपके पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो जाइए एकदम से। जागिए, पढ़िए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रिविजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ज्यादा समय बच रहा है तो मेन्स की तैयारी भी करिए, आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अब आज के सेशन को यही पेंड करेंगे। लास्ट में जाते जाते फिर मैं आपसे कहूंगी कि आपको सबसे ज्यादा भरोसा खुद पे रखना है और पढ़ते रहना है। तो भरोसा रखिए अपने पे, पढ़ाई करिए, और क्लास कभी भी निराश मत होइए। निराश, आपको पता है, इंसान थोड़ा सा घबराता है जब वो इस तैयारी के दौर में रहता है, तो उसको घबराहट होती है, वो निराश होता है, उसको लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हमारे दोस्त बहुत आगे जा रहे हैं, हमारे रिलेटिव बहुत आगे जा रहे हैं। ये सब सबके साथ होता है, लेकिन आपको इन्हीं सब चीजों को ओवरकम करके पढ़ाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, इधर उधर दिमाग मत ले जाइए। अगर आपको परीक्षा देनी है तो सिंसियरली परीक्षा दीजिए, मजाक में परीक्षा बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि हर बच्चा पढ़ रहा है, सारी लाइब्रेरीज भरी रहती है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई छोड़ने की गलती मत करिएगा। एक समय बना लीजिए, निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इस समय पढ़ना है। अपने पे विश्वास रखिए, कर्म करिए, ठीक है, आपको फल जरूर मिलेगा। और अगर आपको किसी भी तरीके का, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आने वाले टेस्ट में आपके टॉपिक्स को, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। तो धन्यवाद क्लास, इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, इकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़े और खूब आगे बढ़े।